अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है जी? इलेक्शन के बाद की नून लीग की क्या सूरत हाल है, हमारी क्या सूरत हाल है? इस सब के ऊपर जो है वो राणा सनाउल्ला साहब आज जो है वो निकाल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और आपको दिखाते हैं कि इनका, मैं हमेशा इस बात पे इतराज़ करता रहा हूँ कि ये हमेशा इमरान खान के इतराज़ों का जवाब ही देते रहे। इन्होंने कभी हमला नहीं किया, ना 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 ना, इन्होंने हमला कभी नहीं किया। ये जवाब देते हैं कि भाई इमरान तुम बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम्हें होना चाहिए, आना चाहिए, और देखो आगे नस्ल केड़ी नू तुसी होना चाहिए कह रहे हो। अब इनकी फजूल गुफ्तगू सुने, मेरे हिसाब से फजूल गुफ्तगू नहीं, लेकिन जब इसको थोड़ा सा जो है वो सख्ती के साथ हैंडल किया गया तो उस वक्त भी ये साफ हो गई। ये फिर इसने डी चौक में आने की भी जरूरत नहीं की, वहीं से जना एवेन्यू से जो है वो तकरीर करके जो है वो चला गया। और उसके बाद इतना बुजदिल इंसान है ये कि ये तकरीबन 3 हफ्ते जो है ये पेशावर जाके छुप के बैठा रहा कि मैं अगर इधर भनीगाला में आया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर वहाँ से बाकायदा जमानत करवा के, और वो भी जब इसे पता चला कि वजारत दाखिला को कैबिनेट ने मुझे गिरफ्तार करने की अभी इजाज़त नहीं दी, मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि एक सब कमेटी बना दी है, तो फिर भी जो है ये बेल बिफोर अरेस्ट करवा के तो जो है वो ये वहाँ पे फिर जो है ये वहाँ पे आया। तो इसको जो है अगर जमहूरी तौर पे और आइनी तौर पे और रूल्स और कानून के मुताबिक जो है अगर इसको हैंडल किया जाए और अदारे जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें तो पूरी कौम उनके साथ होगी। और ये जो है वो जाली जो है दांस और धांधली और बदमाशी करने वाला शख्स जो है ये बिल्कुल अपनी औकात में जो है ये आ जाएगा। और हम समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन हुआ है कि जिसे जो है वो पूरा दिन पूरी तरह से पूरे सूबे में अमन व अमान रहा। 3,140 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 7-8 जगह पे मामूली अपनी हारने की वजह बताओ आता पाई जो है वो कह सकते हैं। कोई फॉर्म फायर आर्म जो है वो इंजरी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का कोई जानी या इवन माली जो है वो नुकसान नहीं हुआ। और उसके नतीजों को जो है वो जिन्होंने लूज किया उन्होंने भी जो है वो तस्लीम किया, और जिसने वो जीता है वो बदकिस्मती है इस कौम की कि वो एक पागल शख्स है और उसने जो है वो उसको तस्लीम करने से इनकार किया और इसको एक बहाने के तौर पे लिया कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के ऊपर जो है वो तनकीद कर सके। और वो कहता कि जी दादरी, भाई दादरी तो उस वक्त होती है जब जो है वो डिब्बे जो है वो उठाए जाते हैं, जब प्रेजिडेंट ऑफिसर अगवा होते हैं, जब उनको किसी फार्म हाउस पे ले जाया जाता है, वहाँ पे हुकूमत और इंतजामिया के लोग होते हैं, जब रात को चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो, ये राणा सनाउल्ला की इतनी बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं कम से कम नहीं सुन सकता। मैं इनकी ये बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सकता। हारने के बावजूद भी ये हमने जी बड़े अच्छे वो कराए हैं जी, इलेक्शन अच्छे कराए हैं, खाक अच्छे कराए हैं, तुम अपने हारने की वजह बताओ। कोई तंजीम साजी तुम्हारे अंदर नहीं थी, तुम्हारे कोई कंपेन नहीं थी, कोई किस जलसे से सरदार अयाज सादिक ने खिताब किया है, कौन सी नवाज शरीफ की वीडियो आई है कि भाइयों हमें वोट देना, कौन से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू की है, कौन एक खुदरों में चूहों की तरह छुपा रहा है। आप चलें जलसे से खिताब नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। वैसे इमरान खान ने जो बल्दियाती इलेक्शन हुए बतौर वजीर आजम हर जलसा किया है, धड़ल्ले से किया है। ये हमारा जो वजीर आजम है ना शहबाज शरीफ, डरा हुआ वजीर आजम, मुझे आज दिल कर रहा है कि मैं इनके खिलाफ तकरीर करूं इधर बहुत ज्यादा, इनकी आपको खामियां बताऊं कि ये क्या क्या इनकी खामियां हैं। इन्होंने हर बात का जवाब ही देना है। एक हमला इन्होंने इमरान खान के ऊपर नहीं किया, अभी भी वो जीतने के बाद भी वो हमला कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। इन्होंने कितने धरने दिए हैं इमरान खान के फॉरेन फंडिंग वाले केस के फैसले के, कितने धरने दिए हैं नून लीग ने, कितना धरना फरा गोगी गोगी कर रहे हैं, कौन सा नोटिस दिया है? ये सिर्फ मरियम औरंगजेब आ जाती है, ताने मेने दे के चली जाती है, ये तरीका है तुम्हारा?
कोई, सारी आपकी कमजोरियां हैं, सारी आपकी कमजोरियां हैं। आप बताएं, आप बताएं कि जनाब बयाली ये जो हम इलेक्शन हारे हैं ये हमें अपनों ने हराया, इमरान मानी ने नहीं हराया, ये बताएं कौम को। आप उल्टा उनकी वजाहतें कर रहे होते हैं, यही तुम्हारी शिकस्त है कि तुमने सारी उम्र जब से इमरान खान सियासत में आया है तुम इमरान के सवालों के जवाब ही देते रहे हो, तुमने कोई सवाल नहीं किया। क्यों नहीं आया सागडार पाकिस्तान, क्यों नहीं आते नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान? अगर नहीं आए तो क्या वीडियो बना के भी नहीं भेज सकते? तुम कहो कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ से मारे गए हो, ओवर कॉन्फिडेंस था तुम्हारा कि जनाब है पंजाब, पंजाब ही तो सानू कुछ नहीं होता। कौन सी आपने आसिफ अली जरदारी की किस जलसे में तकरीर कराई है, किस जलसे में आपने मौलाना फजल रहमान की तकरीर कराई है, किस जलसे में आपने बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी की तकरीर कराई है? तुम्हारी कोई कमजोरियां नहीं है, ये सारी तुम्हारी कमजोरियां हैं। कोई इमरान खान नहीं जीता, तुम हारे हो, हारे हो, बस ये है। आज आ गए जनाब इमरान खान के वो जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि उसका जवाब देने के लिए आ गए हैं ये। तुमने कभी आगे बढ़ के हमला किया, सियासी हमला कभी आगे बढ़ के किया हो कि हाँ जी ठीक है आ गया इमरान तेन नहीं छड़ना? एक नशई ने तुम्हें आगे लगाया हुआ है, वो जो मुझे लतीफा याद आ रहा है जो सच्चा साबित हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने वो लतीफा लोगों को सुनाया था कि एक दफा घोड़ों की रेस हो रही थी तो वो एक घोड़ा सबसे पीछे था तो बाकी सारे आगे थे, तो उन्होंने कहा जी कि जिसका पीछे घोड़ा था तो उन्होंने कहा देखा मेरे घोड़े ने सबन अग्गे लाया हुआ है, ये लतीफे बन रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अपने मरियम नवाज ने सही ट्वीट किया है कि अपने अंदर भी झांको शहबाज शरीफ, अपनी मंजी थले भी डांग फेर, आज लोग तुम्हारी वजह से रो रहे हैं कि इन्होंने कोई कंपेन ही नहीं की, दो जिलों में तो आप गए ही नहीं। आप बताएं आप बखर गए, आप बताएं आप लोधरा गए, मरियम नवाज साहब अभी वहां पे नहीं गई, बिल्कुल लैक ऑफ प्लानिंग। इन्होंने कहा जी ऐसे हलवा है, ऐसे हलवा है सानू एंज ही मिल जाएगा। ये सब जो है शहबाज शरीफ साहब की कमजोरियां सामने आ रही हैं जो नून लीग को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। क्यों नहीं ये देते मरियम नवाज को फ्री हैंड? फ्री हैंड दे ना, फिर इनको पता लगेगा कि किस तरीके से मरियम नवाज जवाब देती है। एक नशेई ने आपको आगे लगाया हुआ है, आप उसकी बातों का, वो कहता है जी, वो क्या कहता है, इमरान खान कहता है जी कि इस वक्त रात के 10 नहीं दिन के 10 बजे हैं, वो कह देता है, नशेई है ना। आ जाता है जी राणा सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब और ये शाकब, और नहीं जी नहीं है दिन दे जनाब 10 बजे ने, इमरान झूठ बोलता है, दिन दे 10 बजे ने, वजाहत करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये कहां चिट्टा है, ये सारे आ जाते हैं, नहीं जी नहीं कहां तो काला ही होता है, चिट्टा तो होता ही नहीं, तो फला ये ऐसे ऐसे ये मस्कीन लोग हैं ये। और शहबाज शरीफ तो सिकंजे में आया हुआ है जरदारी के, पीडीएम के सारे, मैं किसी का नाम और नहीं लेना चाहता, पीडीएम के, इन्होंने पीडीएम को अपने लिए यूज किए, नून लीग वालों ने पीडीएम को अपने लिए यूज किए, नहीं किया, नहीं किया, सब इनका अपना कसूर है, अपना कसूर है। किसी जलसे में जनाब हमजा शहबाज ने खिताब करने की कोशिश ही नहीं की। हम जी बड़े नेक हैं, हम नेक हैं जी, इलेक्शन कमीशन में हम नेक हैं जी, इस्तीफे भी सलमान रफीक ने और उसने दिए हैं ना देने के बराबर, अजाज सादिक के इस्तीफे क्या होते हैं बताएं, सलमान रफीक बेचारे को कौन जानता है इधर, बताएं, इस्तीफे हमने दे दिए और उसने एक कॉर्नर मीटिंग की है, कॉर्नर मीटिंग से सलमान रफीक ने खिताब किया और कॉर्नर मीटिंग से अहमद अवैस ने, वो अवैस लगारी ने खिताब किया, ये इनके इस्तीफे थे। ओ खुदा का खौफ करो, अभी भी खुदा का खौफ करो, अपनी खामियां तलाश करो।
तुम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तुम में लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारी तंजीम साजी सही नहीं हुई हुई। सिर्फ मरियम नवाज अकेली कहां कहां जाए वो बताएं, और इमरान के कितने, सीधा टली अलहदा तकरीर कर रहे हैं, फवाद चौधरी अलहदा कर रहे हैं, असद उमर अलहदा आया हुआ है, अमीन गंडापुरी आया हुआ, फलाना आया हुआ है, और ये इन्होंने जगह जगह उन्होंने जनाब करके उनको इनको ऐसा दबाव में डाला है। ये मैं आज आपको एक सही बात बताने लगा हूँ, इमरान खान ने इनकी नफ्सियात समझ ली है, और इन्होंने कहा जी कि हमले पे हमला करते जाओ, ये दबाव में आ जाते हैं सफाइयाँ। नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, कसम खुदा की इधर से डंडा खाते हैं, नहीं असी तो जी हत्थों से झलेंगे, हत्थों से सपोर्ट ले आएंगे जी। इन्होंने एक हमला नहीं किया है इमरान खान के ऊपर, एक हमला नहीं किया। एफआईआर भी कटाई है तो ऐसी बच्चों वाली एफआईआर नहीं होती, बच्चों वाली वो कटवाई है, और उसने 15 किलो हीरोइन इसी राणा सनाउल्ला के ऊपर डाल दी है, और इसने हिम्मत किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा नहीं इसको कुछ नहीं कहना भाई, ये इसको कुछ नहीं कहना। वो डरा हुआ तो वो है, डरा हुआ डरपोक इंसान है, डरपोक दुनिया का सारे सियासतदानों से डरपोक कौन है, शहबाज शरीफ है, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट हिम्मत ही नहीं है फैसला करने की। मैं आपको ये बता दूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं डंके की चोट पे कि इनके अपने कसूर हैं। पंजाब से उसको ऐसे तार नवाले की तरह सारी सीटें ले गया वो, लोटो लोटो का उसने नारा लगाया ना, तो ये फवाद चौधरी लोटा नहीं है, ये शीदा टली लोटा नहीं है, ये गुलाम सरवर लोटा नहीं है, ये उमर अयूब लोटा नहीं है, इन्होंने कभी इसके ऊपर ऐसी बातें की हैं? नहीं जी नहीं, सीधे इल्जाम नहीं लाते, उसने अगे लाया हुआ है तो सारा नू। और अभी आप कह रहे हैं कि जनाब अली ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं, ये इनकी औकात है, कसम खुदा की ये इनकी औकात है। और अगला इलेक्शन वो तो तुमने जरदारी को लिख के दे दिया है ना, इसी शहबाज शरीफ ने लिख के दे दिए कि अगला इलेक्शन तेरा है, तू सानू बदनाम करने वास्ते 1-2 महीने की हुकूमत दे। और अब ये बार बार इनको मैं मैसेज दे रहा हूं कि इस्तीफा नहीं देना, डट के खड़े रहो। शहबाज शरीफ कल कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले बता दूं इसने असेंबलियां पहले तोड़ देनी है, बजाय ये कि कोई एमके वाले निकले और ये सारा कुछ हो। इनको अब हम अभी भी कह रहे हैं कि अपने बंदे लाओ, अपनी निगरान हुकूमत लाओ, पंजाब में आखिरी दम तक लड़ो, एमपीओ को बार बार मैसेज भेजो कि अगर परवेज इलाही आ गया तो तुम उसी वक्त ख़त्म हो जाओगे, और अगर हमजा शहबाज रहा तो तुम 1 साल तक मजीद एमपीए हो। ये 20 MPA जिन्होंने एक रात के लिए सिर्फ करोड़ों रुपए लगाए हैं, एक रात के लिए कि हलफ ले और सुबह असेंबलियां टूट जाए, ये इतना बड़ा मोटा पॉइंट है आपके पास, लेकिन इसको कैश कराने के लिए ना हिम्मत चाहिए, वो इन तिलों में तेल नहीं है। बस मैं आपको ये बता दूं, मुझे बहुत इनके ऊपर गुस्सा आया हुआ है, इनकी इनकी ये जो तिफल तसलियां होती है ना, अभी भी इमरान जीतने के बावजूद भी अब इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहे हैं ताकि फॉरेन फंडिंग वाला केस में भी वो बरी हो जाए। वो कहता है ये इस्तीफा दे तब नए इलेक्शन हम कराएंगे, उसके खिलाफ अब वो जलसे करेगा। ये मुझे बताएं एक जलसे से कभी शहबाज शरीफ ने 4 साल में कोई एक जलसे से इंडिपेंडेंट खिताब किया हो बताएं, मैं आपको वैसे कह रहा हूं। वो तो मरियम नवाज को जलसे नहीं करने दे रहा था, हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि जनाब इनके ऊपर कुछ ना कहें, कुछ ना कहें, इन्हें इनके जो मानने वाले हैं वो बेचारे रो रहे हैं। वो मुझे कहते हैं कि वकील साहब आप इनको मिलें, आप इतने अच्छे मशवरे देते हैं, और मैंने कहा जी कैसे मिलूं, मशवरे टीवी पे सारी दुनिया देख नहीं रही, जरा जाए इमरान खान सिंध जाए। जरदारी ने कहा इधर तू आया ना तो फिर तेरी सिक्योरिटी का मैं इंतजाम नहीं कर रहा, ये जरदारी ने कह दिया इसको। और शहबाज शरीफ ने क्या कहा है पता है आपको, जितनी वजीर आजम की सिक्योरिटी है उतनी इमरान खान को दो, और इसने दी है,
मुझे फिर आप कहेंगे कि वकील साहब आज आप बहुत गुस्से में ना हूं, कोई बनता है तुक कि इसने इमरान खान को, शहबाज शरीफ ने इतनी सिक्योरिटी दी है जितनी वजीर आजम की होती थी, कोई बनता है तुक। वो इनकी कमजोरियां समझ गया है। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं, मैं मजीद वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये अपने ही देखा जो हमने मुड़ के कमीगाह की तरफ, देखा जो हमने मुड़ के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।